Hey friends, राजेश तो जैसे कि इंट्रो में आपने देखा कि आज हम अपने Redmi Note 10 Pro के अंदर Android 13 का जो है वर्जन यूज कर रहे हैं। तो Android 13 जो है ऑलरेडी जो है पिक्सल फोन्स के लिए जो है रिलीज हो चुका है और फाइनली जो है कस्टम रोम्स भी जो है आपके फोन्स के लिए अवेलेबल होना स्टार्ट हो गए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पे हम Android 13 को अपने Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के अंदर आप इसको यूज करते हैं। एंड में आपको बताऊंगा कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले जो है हम कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे सारा का सारा लुक जो है आपको एंड्रॉइड 13 का यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल, विजेट्स एंड होम सेटिंग्स के ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। वॉलपेपर एंड स्टाइल में जो है आपको जो है यहाँ पे थीमिंग आइकन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। आपको काफी सारे कलर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है उस तरीके से जो है मॉनिटर थीमिंग इंजन जो है आपके फोन में यहाँ पे वर्किंग होगी। डायलर आपको इसके अंदर गूगल का ही देखने को मिलता है जो कि परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट जो है आपको इस रोम के थ्रू यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके डिफॉल्ट कैमरे की बात करें तो आपको इसके अंदर नॉर्मल ही कैमरा आपको देखने को मिलता है, बट आप इसके अंदर जो है जी कैम को यूज कर सकते हैं जो कि परफेक्ट तरीके से हमारे फोन के अंदर यहाँ पे आपको काम करता हुआ मिल जाता है। चाहे फ्रंट मोड हो चाहे रियर मोड हो, सारे के सारे जो है आपको इसके अंदर वर्किंग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एंड्रॉइड 13 वर्जन सिक्योरिटी पैच जो है आपको अगस्त 5, 2022 का यहाँ पे मिला है। इस ट्रैक जो है आपको कुछ इस तरीके आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे ही आप इसको 1 o'clock पे लेके आते हैं आपको एंड्रॉइड 13 का लोगो यहाँ पे देखने मिलता है। कुछ देर तक आप इसके अंदर टैप रखते हैं तो आपकी जो स्क्रीन जो है यहाँ पे चेंज होती रहती है और कुछ इस तरह का ईस्टर एग जो है आपको एंड्रॉइड 13 का यहाँ पे अब प्रोवाइड किया। जेस्चर्स आपको एंड्रॉइड 13 के ही यहाँ पे देखने को मिले जो कि परफेक्ट तरीके से काम करें। आप किसी भी स्क्रीन को यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, उसमें जाकर सिलेक्ट का ऑप्शन जाकर आप कुछ चीज़ को सिलेक्ट करना चाहें तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एंड्रॉइड 13 के सभी फीचर्स आप जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेगा जिससे आपको पता चल जाएगा एंड्रॉइड 13 में आपको क्या क्या फीचर्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। प्ले स्टोर का सपोर्ट जो है आपको इस रोम के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। मैं आपको पहले बताता हूँ ये फर्स्ट बिल्ड है तो आपको इसके अंदर छोटे मोटे बग्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इवन जो है सेटिंग्स में जो है इस टाइम पे आपको जो है डिवाइस जो है नॉट सर्टिफाइड यहाँ पे शो करता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड। इवन जो सेफ्टी नेट है वो भी आपको इसके अंदर फेल ही यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप देख पा रहे होंगे सेफ्टी नेट जो है बाई डिफॉल्ट आपको यहाँ पे पास देखने को नहीं मिलता है। तो बैंकिंग एप्लीकेशन को रन करने में आपको इसमें प्रॉब्लम आने वाली, हाँ अगर आप फोन को रूट कर लेते हैं और सेफ्टी नेट को आप पास कर लेते हैं देन आप बैंकिंग एप्लीकेशन को इस रोम में रन कर पाएंगे। मैं आपको फिर से बताता हूँ ये फर्स्ट बिल है और सारा का सारा क्रेडिट जो इनके डेवलपर को जाता है जिन्होंने इस रोम को Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max यूजर्स के लिए क्रिएट किया है। बाकी कुछ और चीजों की बात की जाए तो आप कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। DR इन्फो में आपको दिखाता हूँ, आपको वाइड वाइन L1 का ही सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है तो उसमें आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस को उसमें ठीक तरीके से आप यूज कर पाएंगे। मॉनिटर थीमिंग इंजन जो है परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। आपके जो वॉलपेपर बेस कलर होते हैं उसको ये ठीक तरीके से अडेप्ट यहाँ पे आपके फोन में कर लेती है। नोटिफिकेशन पैनल जो है काफी स्मूथ है, आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का आपको लुक यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको मीडिया कंट्रोल सेंटर यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि आपके जो है थंबनेल के तरफ ही बैकग्राउंड को मैच करता है और उसी तरीके का आपको बैकग्राउंड जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सारी की सारी नई चीजें मिल जाती हैं, क्यूब टॉल्स आपको मिल जाते हैं, कैमरा एक्सेस माइक एक्सेस आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे QR कोड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हॉटस्पॉट डार्क थीम स्क्रीन कास्ट ये सारे के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए डार्क थीम ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप इन सबको यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिम का भी ऑप्शन जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इवन जो है लॉक स्क्रीन में भी जो है आपको जो है मीडिया प्लेयर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट जो है परफेक्ट तरीके से काम करता हुआ आपको इसके अंदर मिल जाता है, बट फेस अनलॉक का सपोर्ट जो है आपको इस रोम में यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया। अगर सेटिंग्स में चलें और डिस्प्ले के अंदर चलें तो डिस्प्ले में आपको कुछ चीज दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में जो है आपको इसके अंदर रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है, इसको 120 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज पे आप इसमें आप सेटअप कर सकते हैं। डार्क थीम ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 13 की ही यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया आपको जो है सिक्योरिटी में जो है इसके अंदर इस टाइम पे फेस लॉक का अनलॉक का ऑप्शन जो है नहीं प्रोवाइड किया गया है। आप फिंगरप्रिंट को ही यूज कर सकते हैं। सिस्टम में आप जाए तो इसके जेस्चर्स को नेविगेशन बटन इन सबको यूज करते हैं। वन हैंडेड मोड जो है अभी इसके अंदर यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं किया। ये फर्स्ट बिल्ड है, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट बिल्ड है एंड्रॉइड 13 का। आगे चल के काफी सारे फोन्स के लिए जो है एंड्रॉइड 13 के रोम्स जो है जल्दी ही रिलीज होने वाले हैं तो मोस्टली सभी फोन्स के अंदर इंस्टॉल करने का तरीका एक ही होता है कि आपके फोन का बूटलोडर अनलॉक होना चाहिए और कोई कस्टम रिकवरी उसके अंदर इंस्टॉल होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो जैसे कि ये Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max इंडियन यूजर्स दोनों के लिए ही काम करेगा। तो जो भी आपका फोन है आपको अपने फोन के लिए Android 13 का रोम जो है डाउनलोड कर लेना है। इस टाइम पे सिर्फ ये Redmi Note 10 Pro यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है और Redmi Note 10 Pro Max तो ये वो फाइल है जो कि 1.55 GB की है। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको अपने फोन को किसी कस्टम रिकवरी पर बूट करना है। जैसे कि आप जानते हैं आप TWRP पिच ब्लैक या आपके ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से नीचे पावर का बटन है, पावर ऑफ कर दीजिए एक बार फोन को और उसके बाद आप अपने फोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करेंगे। तो उसके लिए वॉल्यूम अप और पावर के बटन को हम होल्ड रखते हैं क्योंकि हम
अपने फोन के अंदर ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी यूज कर रहे हैं तो हम ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी के थ्रू इसको फ्लैश करेंगे। सारा डाटा आपका डिलीट होने वाला है तो बैकअप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बैकअप मस्ट है, क्योंकि आपको इसमें फॉर्मेट डाटा एक बार करना पड़ेगा। मोस्टली हर फोन के अंदर जो है इसी तरीके से जो है आप अपने फोन के अंदर एंड्रॉइड 13 को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपने यूएसबी ड्राइव में अपने फोन रोम को सेव कर रखा है उसको कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करते ही आप मेनू पर जाइए, मेनू पर करके माउंट पर जाइए और यूएसबी स्टोरेज को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही यूएसबी स्टोरेज जो है माउंट हो जाती है उसके बाद मेनू पर फाइल पर जाइए, एसडी कार्ड की जगह अपनी यूएसबी ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए, एएसपी का जो रोम है उसको सिलेक्ट करेंगे और स्वाइप टू इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, नियर अबाउट 2 to 3 minutes, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये सक्सेसफुली हमारे फ़ोन में फ्लैश हो पाए। उसके बाद आप फॉर्मेट डाटा करेंगे और रीबूट सिस्टम कर देंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देखिए रोम हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, यूएसबी ड्राइव को हम रिमूव कर देते हैं, चलते हैं वाइप के ऊपर, फॉर्मेट डाटा यहाँ लिखेंगे YES और ओके कर देंगे। जैसे ही फैक्ट्री रिसेट यानी फॉर्मेट डाटा कंप्लीट होता है रीबूट सिस्टम कर दीजिए। अब इसके बाद जो है आपका फोन जो है रीबूट करेगा और कुछ ही देर में आपके फोन के ऊपर जो है एंड्रॉइड की बूट स्क्रीन आएगी। दैट मीन्स कि आपने एंड्रॉइड 13 को सक्सेसफुली जो है अपने फोन के अंदर फ्लैश कर लिया है। उसके बाद सेटअप पे जाएगा, आप सारी चीज़ों को सेटअप करेंगे और एंड्रॉइड 13 के सभी फीचर्स अपने फ़ोन में इंजॉय कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप एंड्रॉइड 13 की कस्टम रोम्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने फ़ोन की जिप फाइल चाहिए और इस मेथड के थ्रू आप उसको फ्लैश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।